अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर शहर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी श्रृंखला में आज खरबी चौक के ऑरेंज नगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुंदर कांड पठन का आयोजन राहुल पद्मावत मित्र परिवार की ओर से किया गया था, जहां परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नागरिकों में प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देखते ही बन रहा था। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज जो है अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर में भी हर मंदिर में, हर एरिया में, हर परिसर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और उसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि वाठोड़ा खरबी नगर के परिसर में हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पठन किया जा रहा है। इसी के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ किया गया है। हम देख रहे हैं कि सभी तरफ भक्तिमय वातावरण है। यहाँ पे राम भगवान श्री राम और सीता माता की सुंदर ऐसी रंगोली भी यहाँ निकाली जा रही है। हम देख रहे हैं सभी और जो है उत्साह का वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है। सुंदर सी ऐसी यहाँ पे रंगोली यहाँ निकाली गई है श्री राम भगवान और माता सीता की। इसके साथ ही जो है बाहर हम देख पा रहे हैं कि सुंदरकांड पठन हो रहा है, जिसमें परिसर के काफी नागरिक यहाँ शामिल हुआ है। प्रभु रामचंद्र जी का आज जैसे आगमन हुआ है अयोध्या में, उसको ध्यान में रखते हुए सुंदरकांड का आयोजन किया हुआ है और समस्त हिंदू प्रेमियों को रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभेच्छा। रामचंद्र जी जब विराजमान हुए थे 1992 के पहले हमारा नारा था रामलला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। अभी हमारा नारा है रामलला आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे, जो बनके तैयार है और उसके उपलक्ष्य में महाप्रसाद का भी आयोजन किया हुआ है और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को। धन्यवाद। पूरे शहर में इसका जो है उत्साह हमें देखने मिल रहा है। कैमरा पर्सन राजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।